हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं अंकित अपने चैनल एके इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बिहार पुलिस से रिलेटेड हर रोज़ कोई ना कोई वीडियो डालते रहता था, तो आज मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है जो मैं आप लोग के साथ कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ अपना। तो थोड़ा नर्वस भी फील हो रहा है क्योंकि फंसने के चांसेस मेरे साथ भी कुछ है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा शेयर करें, इसको तो शेयर करना जरूर करें, मेरे बाकी वीडियो को आप शेयर बिल्कुल ना करें। लेकिन अगर आप बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, तकरीबन 12 लाख अभ्यर्थियों का ये जीवन का सवाल है। सो फ्रेंड्स, मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ अपना। जैसा कि बिहार पुलिस का जितने भी क्वेश्चन थे मेरे पास 4 बजे तक शाम को आ गए थे, और मैं कंफर्म नहीं था इसलिए मैं कहीं ये क्वेश्चन को शेयर भी नहीं किया। लेकिन आज जैसे ही शाम को मैं 6:30 बजे के आसपास कंफर्म हुआ कि क्वेश्चन सही है, तो मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम भी लगा मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने में, ठीक है। तो मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ। ये टॉपिक ये है कि अगर बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन के अंदर हॉल के अंदर आपको मोबाइल लेके ले जाया जाए तो व्यवस्था कैसी है, मैं यही क्वेश्चन आप लोग से सीधा पूछने वाला हूँ। अगर फ्रेंड्स ऐसा नहीं हुआ है तो ये इमेज जो मैं आपको दिखाऊंगा वो किस तरह का इमेज है, कहाँ से आया, उस लड़का जिसने भी जिसका बेंच का ये फोटो क्लिक किया हुआ है उसका शायद रोल नंबर भी एक पिक्चर में दिख रहा है, मैं उसको आपको हाईलाइट करके दिखाऊंगा इमेज के अंदर। सो फ्रेंड्स, अगर 12.5 लाख अभ्यर्थियों का अगर जीवन का सवाल है तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, और ये बिहार पुलिस का जो भी एग्जामिनेशन हुआ है फर्स्ट शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट जिसमें भी ये क्वेश्चन जिस शिफ्ट का भी है मुझे पता नहीं है, तो कैंसिल करने का रद्द करने का मांग करनी चाहिए हम लोग को। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको उस इमेज की ओर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि वो इमेज कैसा है। जो पहला पिक्चर है ये आपके सामने है, जो 10 नंबर पेज है जो क्वेश्चन का वो रहा, और इस जो पिक्चर में आप यहाँ पाउस करके देख सकते हैं जो रोल नंबर ऊपर गया वो इनका रोल नंबर होगा शायद मे बी, और ये क्वेश्चन जो है 93 से लेकर के तकरीबन है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने 83 सेक्शन का जो 83 से लेकर के तकरीबन 15 नंबर पेज का है, और इनका कुछ इमेज भी दिख रहा है, और फिर से ये रोल नंबर आप लोग के सामने OMR शीट का जो नंबर है वो दिख रहा है, और इनसे शायद जाहिर हो सके कि ये जो बंदा कौन है, किसने ये फ़ोटो क्लिक किया है, शायद इससे पता चल जाए। सो फ्रेंड्स, मेरा मेन मकसद ये है कि आप लोग किसी तरह से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और कोई उच्च अधिकारी के पास ये वीडियो कम से कम पहुँचना चाहिए जिससे कि बिहार पुलिस के लिए कुछ हम लोग की मदद हो जाए। चलिए फ्रेंड्स वीडियो पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने इमेज देखा कि इमेज किस तरह से था, तो फ्रेंड्स इससे पता साफ जाहिर पता चलता है कि बिहार पुलिस के सिस्टम में कहीं ना कहीं सेंध लगा है, और ये एग्जामिनेशन जो अभ्यर्थी जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन किया उनके लिए ये जो है बहुत दुखपूर्ण है कि उनका रिजल्ट शायद नहीं आने वाला है, क्योंकि बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन जैसे कि आरा में दिखा रहा था कि कैंसिल हो चुका है और जहानाबाद में पेपर लीक हो चुका है, तो ये पेपर पूरे बिहार में लीक हो शायद मे बी हो गया हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कैमरा से क्लिक किया हुआ गया, और जो सिस्टम था बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपने देख लिया है कि कैमरा फोन जो फ़ोन है वो बिहार पुलिस एग्जामिनेशन बोर्ड जो हॉल है उसके अंदर ले जाना अलाउ था, तभी तो फोटो आया, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ले जाना तो मना था। और उस पिक्चर में आप OMR भी सीट देख सकते थे, और उसमें कुछ उसका नाम वाम भी थोड़ा दिख रहा है। सो फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो उतना शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, और लाइक तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मत कीजिए, लेकिन फ्रेंड्स इसे अपने ग्रुप में जितने भी हो सके आप इसे शेयर कीजिए फ्रेंड्स, प्लीज़ फ्रेंड प्लीज़। ये सभी 12 लाख अभ्यर्थियों का जीवन का सवाल है, जिनके पास तो पैसा है ये तो एग्जामिनेशन क्लियर कर चुके हैं, लेकिन जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखा है उनका कुछ नहीं होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि बिहार पुलिस का रिटेन जो है खत्म हो चुका है 15 अक्टूबर का, और जो पेपर लीक हो भी जानते हैं जैसा कि हो चुका है, न्यूज़ में भी आ रहा था। सो फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर करें, थैंक यू।